गुड मॉर्निंग गाइज। एज यू नो कि मॉर्निंग में हमारा जो 9 o'clock का सेशन होता है वो बेस्ड रहेगा इग्नू पे, और इवनिंग का जो सेशन रहेगा हमारा 9 PM का वो हमारे सब्जेक्ट पे बेस्ड होगा, दैट इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अभी हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को कवर कर रहे हैं, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना, और वीकेंड का जो सेशन रहेगा हमारा उसमें हम कवर करेंगे सेकंड ARC रिपोर्ट्स को। सारी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उसकी उनको डिटेल में कवर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, बाकी सारी जितनी भी वीडियो हैं जा करके देखिए, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी की सारी वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कमेंट ज़रूर करना है अगर आपके कोई डाउट है, क्वेरी है, सेशन आपको अच्छा लगा बुरा लगा जैसा भी है आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना लेसन। यूनिट नंबर 14 एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को हम कवर कर रहे हैं। ये BA जो इग्नू का BA का मटेरियल है उसके अंदर है। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी उसका जो 14 चैप्टर है इकोलॉजिकल अप्रोच, दैट इज़ गिवन बाय द Fred W. Riggs। इनका नाम हमने कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब हमने स्टडी किया था उस दौरान भी हम देखते हैं, और इनका नाम जो वो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भी आता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने डेवलपिंग सोसाइटीज़ को ध्यान में रख करके अपना जो मॉडल था वो दिया था या अपनी थ्योरी प्रोपाउंड की थी, राइट। और कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। ये जो जाने जाते हैं अपने मॉडल के लिए जाने जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक और डिफ्रैक्टेड सोसाइटी मॉडल। इन्होंने प्रिज्म को ध्यान में रखते हुए सोसाइटी के लिए एक मॉडल दिया था जिसको हम फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक और डिफ्रैक्टेड मॉडल बोलते हैं। इसके अलावा इनका साला मॉडल और बाजार-कैंटीन मॉडल भी फेमस है। तो डिटेल में देखने के लिए मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं, तो वो जा करके आपने देखने हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं करेंगे, जस्ट विल गो थ्रू द यूनिट, देखेंगे इसके अंदर क्या कुछ नया है या किस तरीके से हम इसको रिवाइज कर सकते हैं। इकोलॉजिकल अप्रोच, इकोलॉजी से आपका मतलब क्या होता है, ठीक है। इकोलॉजी मीन्स कि आप एक एनवायरनमेंट में रहते हैं, आप उस एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं और उसी एनवायरनमेंट से आप खुद भी इन्फ्लुएंस होते हैं, राइट। इकोलॉजिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन सजेस्टेड व्हेन वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी हैव बीन फाउंड इनएडेक्वेट फॉर द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। 1950s का एरा याद कीजिए, जो मोस्ट ऑफ कंट्री आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर मोस्ट ऑफ कंट्री इंडिपेंडेंट हो रही थी, तो उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का नाम दिया गया था। और उन्होंने डेवलपमेंट के लिए क्या किया कि उनको सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी थी, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने डेवलपमेंट के लिए जो मॉडल फॉलो किया वही मॉडल फॉलो करके वो डेवलपमेंट चाहते थे, लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं नाकामयाब रही, इनएडेक्वेट रही। तो उसके बाद में जब ये लगा कि नहीं वेस्टर्न मॉडल फेल हो रहे हैं तो उन्होंने इकोलॉजिकल अप्रोच दी, ठीक है। और ये जो रियलाइजेशन हुआ कि कहीं ना कहीं कि वेस्टर्न मॉडल जो है वो फेल हो रहे हैं, This realization resulted in the development of new concept and approaches including the ecological one, right? तो इसमें हम discuss करते हैं पर्टिकुलर Fred W. Riggs की जो ecological approach है उसके बारे में। यही जो मैंने आपको बताया दैट आपने यूनिट 5 पढ़ी होगी कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अंदर बहुत अच्छे से बताया गया है Fred W. Riggs के बारे में। मीनिंग ऑफ इकोलॉजिकल अप्रोच, ये ज़रूरी है आप समझिए इकोलॉजिकल अप्रोच क्या होती है। एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट फंक्शन इन आइसोलेशन फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। आप एडमिनिस्ट्रेशन को आप एनवायरनमेंट से अलग नहीं कर सकते, उसका जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होगा, सोशल एनवायरनमेंट होगा, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट होगा, ये सारे एनवायरनमेंट मिलकर उसको इन्फ्लुएंस करेंगे ही करेंगे, राइट। इट इन्फ्लुएंसेस इट एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। एडमिनिस्ट्रेशन अपने एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, एनवायरनमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस करता है। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डायनामिक्स ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू इज नेसेसरी फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि आप किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के मॉडल को अप्लाई करने से पहले उसके एनवायरनमेंट को आपको समझना ही पड़ेगा। इन दोनों का जो इंटरेक्शन है उसको क्लियरली समझिए ताकि आप जो है वो बेहतर पॉलिसीज़ या बेहतर मॉडल को डेवलप कर सकें। द अप्रोच अडोप्टेड इज़ ऑल्सो नोन एज द इकोलॉजिकल अप्रोच। इकोलॉजी जो टर्म है ये बायोलॉजी से ली गई है, जो साइंस बैकग्राउंड से उनको समझ में आ गया होगा कि इकोलॉजी क्या है, जो एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं व्हाट इज़ इकोलॉजी, राइट। Thus, to understand the ecology of PubEd, the interaction of administration and its environment, it is necessary to have an understanding of the society and various factors affecting its functioning. Now, आप ये समझिए कि environment पे क्या क्या चीज़ें आती है। Environment हमारा वो नहीं है कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर, नहीं, वो इकोलॉजी में चला जाएगा। बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, हमारे पर्सपेक्टिव से समझना ज़रूरी है कि सोसाइटी में क्या क्या फैक्टर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। क्या पॉलिटिक्स है, क्या सोसाइटी के अदर फैक्टर्स हैं, इकोलॉजी के मतलब जैसे इकोनॉमी है, वो सारे मिल करके किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो हमारा एनवायरनमेंट होगा, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोलॉजिकल अप्रोच। तो सिंपली आपको 2 या 3 लाइनों के अंदर एक्सप्लेन करना है कि इकोलॉजी मीन्स, इकोलॉजिकल अप्रोच मीन्स क्या। ठीक है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपने एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होता है और वो अपने एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करता भी है। फ्रेड डब्ल्यू रिग्स क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल अप्रोच जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रेड डब्ल्यू रिग्स के द्वारा ही लाई गई, इसके अलावा जैसे जी.एम. गॉस है, रॉबर्ट ए डाल है, रॉबर्ट ए मर्टन है, इन्होंने काफ़ी पहले इवन फ्रेड डब्ल्यू रिग्स से पहले ही इन्होंने इकोलॉजिकल अप्रोच को दिया था, बट फ्रेड डब्ल्यू रिग्स ने इनको ज़्यादा फेमस किया। फ्रेड डब्ल्यू रिग्स ने इकोलॉजिकल अप्रोच को फेमस किया। उन्होंने क्या किया, he was an American. He developed the ecological concept based on his study in Thailand, Philippines and India. 3 सोसाइटीज़ को उन्होंने स्टडी किया और फिर अपनी थ्योरी को दिया। ठीक है, उनका मानना था कि हर एक सोसाइटी की अपनी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है विच इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ इट्स सब सिस्टम, एंड ही फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न थ्योरीज लुक इनसाइड द सिस्टम। आपने जितनी थ्योरीज देखी थी, हमने क्या देखा था, अभी तक हम क्लासिकल थ्योरीज देख चुके हैं, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी देख चुके हैं, बिहेवियरल थ्योरी देख चुके हैं और सोशल साइकोलॉजिकल थ्योरी देख चुके हैं। सबके सब किस पे इन्फ्लुएंस, सबके सबका फोकस किस पे है, इनसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स, ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन बीइंग, उनका मोटिवेशन फैक्टर, यही सारी चीज़ें जो वो इंपॉर्टेंट रही। किसी ने भी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल करके आउटसाइड व्यू को नहीं देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है उसकी क्या सिचुएशन है या वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। तो जो आउटसाइड है, आउटसाइड इन द सेंस उसका एनवायरनमेंट, राइट, रेफर्स टू द जनरल सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वेस्टर्न कंट्री में डेवलप्ड था ऑलरेडी, और वही एनवायरनमेंट सेम नहीं है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जैसा कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में है। इसीलिए दैट इज़ वाई एज ऑब्जर्व्ड बाय रिग्स द थ्योरीज और मॉडल डेवलप्ड फॉर द फॉर्मर सीन इन एप्लीकेबल टू द लेटर। क्यों वेस्टर्न मॉडल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर फेल हुए, तो आपको बताना है कि सबकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन अलग अलग होती हैं, इसीलिए जो थ्योरी आप वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हो सेम थ्योरी आप अप्लाई करके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में डेवलपमेंट नहीं कर सकते, राइट। आइडियल मॉडल, आइडियल किसको बोलते हैं, आइडियल इज़ समथिंग जो थोड़ा अचीव करना इम्पॉसिबल हो, जो 100% परफेक्ट हो, राइट। तो आइडियल थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है अचीव करना। इन्होंने कहा The concept of ecological approach adopt a system approach to the understanding of the phenomena. Now what is system approach? System approach क्या होती है, एक सिस्टम मान लीजिए, कोई भी सिस्टम मान लीजिए, वो सिस्टम जो बनता है जैसे हमारा है, ठीक है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम मान लीजिए, या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर ये काम करते हैं, लेकिन वो हैं तो अलग अलग, आपका लीवर अलग है, आपका पेंक्रियाज अलग है, स्टमक अलग है, इंटेस्टाइन अलग है, सब अलग अलग हैं, लेकिन वो मिल करके एक काम कर रहे हैं। वो क्या काम कर रहे हैं, डाइजेशन का। इन द सेम वे द सिस्टम अप्रोच वो क्या करती है कि उसके पार्ट तो अलग अलग होते हैं, राइट, लेकिन वो पूरा एक जो है वो एक यूनिट की तरह काम करती है। सो द सिस्टम अप्रोच रेफर्स टू द मेथड ऑफ ट्रीटिंग द फिनोमिना एज एन इंटीग्रेटेड वेल कंसिस्टिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंट पार्ट। पूरा सिस्टम इंटीग्रेटेड है लेकिन उसके अंदर जो है वो इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, राइट। द इकोलॉजिकल अप्रोच टेक्स द होलिस्टिक व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने 3 आइडियल मॉडल दिए, कौन कौन से, फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक, डिफ्रैक्टेड, ताकि वो ट्रांजिशनल सोसाइटीज़ में चेंज को एक्सप्लेन कर सकें। इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, व्हाट इज़ फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक और डिफ्रैक्टेड। फ्यूज्ड में क्या होता है, समझिए कि प्रिज्म रखा है आपने, ठीक है, प्रिज्म क्या करता है, लाइट को डिफ्रैक्ट करता है, राइट। तो जब तक एक वाइट लाइट लीजिए, वाइट लाइट क्या है, सिंगल लाइट है, जब आप उसको प्रिज्म से पास कर रहे हैं, जो वो प्रिज्म से पास हो जाएगी तो आपको 7 कलर दिखाई देंगे, राइट, यही उसका फिनोमिना होता है। तो जब वो प्रिज्म में गई ही नहीं है, जब तक वो प्रिज्म से बाहर है, दैट मीन्स जब वो वाइट लाइट है, सिंगल लाइट है, मतलब वो क्या है, सिंगल है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे कलर्स है। इन द सेम वे एक फ्यूज्ड सोसाइटी के अंदर एक ही ऐसी बॉडी होती है, एक ही इंस्टीट्यूशन होता है जो सारे काम कर रहा होता है, वहाँ पर हर एक काम को करने के लिए अलग अलग बॉडीज, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस नहीं होते। मान लीजिए कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जहाँ पर डेवलपमेंट हुई ही नहीं है, वहाँ पर गवर्नमेंट ही सारा काम करती है, गवर्नमेंट ही आपको डेवलपमेंट का काम करती है, गवर्नमेंट ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, गवर्नमेंट ही सारा काम करती है, राइट। तो वहाँ पर डिफ्रैक्शन नहीं है, डिफ्रैक्शन इन द सेंस कि वहाँ पर मल्टीपल बॉडीज़ नहीं है, मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो फ्यूज्ड मॉडल के लिए रिग्स सेलेक्ट करते हैं इंपीरियल चाइना और प्री रिवोल्यूशनरी सायमीज थाईलैंड को एज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कंसेप्ट ऑफ फ्यूज सोसाइटी। This society had no classification of function and a single structure carried out a number of function, यानी कि एक ही स्ट्रक्चर जो है वो बहुत सारे काम करती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे फैमिली प्ले ए प्रोमिनेंट रोल इसमें। लेकिन डिफ्रैक्टेड मॉडल क्या होता है, डिफ्रैक्टेड इज ऑल्सो एन आइडियल मॉडल। उसमें क्या होता है कि हर एक काम को करने के लिए एक अलग बॉडी है, ठीक है। देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड ईच स्ट्रक्चर कैरीज आउट ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन। हर एक काम को करने के लिए अलग बॉडी है, डेवलपमेंट का काम करने के लिए अलग है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग है, आपके वेलफेयर के लिए अलग है, हर एक काम के लिए अलग है, ठीक है। तो ये दो एक्सट्रीम हो गए, फ्यूज्ड जहाँ पर एक बॉडी सारा काम कर रही है और डिफ्रैक्टेड हर काम को करने के लिए एक अलग इंस्टीट्यूशन है। इनके बीच में होता है प्रिज्मेटिक मॉडल। प्रिज्मेटिक मॉडल अकॉर्डिंग टू रिग्स द प्रिज्मेटिक सोसाइटी इज वन विच हैज़ अचीव्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ डिफ्रेंसिएशन। बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं हुआ है बट सर्टेन लेवल ऑफ डिफ्रेंसिएशन है। दैट मीन्स कि कुछ काम को करने के लिए स्पेशलाइज्ड बॉडी है और कुछ काम को करने के लिए स्पेशलाइज्ड बॉडीज नहीं हैं, ठीक है। द स्पेशलाइजेशन ऑफ रोल्स नेसेसरी फॉर डीलिंग विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी बट हैज़ फेल्ड टू इंटीग्रेट दीज रोल्स। इसलिए जो प्रिज्मेटिक सोसाइटीज़ है वहाँ पर आपको फ्यूज्ड और डिफ्रैक्टेड सोसाइटी का मिक्सअप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, वही इन्होंने तीन फीचर एक्सप्लेन किए है, हेट्रोजेनिटी, फॉर्मलिज्म, ओवरलैपिंग। हेट्रोजेनिटी क्या होता है, मीन्स कि साइड बाय साइड आपको अपोजिट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम देखने को मिलेंगे, ठीक है। हम मॉडर्न व्यू में भी बिलीव करते हैं और हम जो हैं ट्रेडिशनल व्यू में भी बिलीव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको द साइमल्टेनियस प्रेजेंस साइड बाय साइड ऑफ क्वाइट डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम, प्रैक्टिस एंड व्यू पॉइंट। हम मानते कुछ और हैं लेकिन एक्चुअल में करते कुछ हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे फॉर्मलिज्म मीन्स कि हमने जो कहा उसको करने में इनइफेक्टिव है, जैसा कहा गया है, जैसा रूल्स है, ठीक है, वैसा हम कर नहीं पा रहे हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ गैप बिटवीन द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव एंड द रियल परफॉर्मेंस। हमें क्या करना चाहिए और हमारे रियल परफॉर्मेंस क्या है, यहाँ पर फॉर्मलिज्म का कंसेप्ट आता है, ठीक है। इसके अलावा जो है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो तो कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मलिज्म आपको देखने को मिलेगा। इट रेफर्स टू द गैप बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड देयर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। दिस कैन बी फाउंड इन इंडिया। हमारे डीपीएसपी हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोविजन बनाए गए हैं वेलफेयर ऑफ द सिटीज़न के लिए, लेकिन क्या वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं? नहीं। तो उसी को नाम दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मलिज्म। ये आप अपने जीएस के पेपर में भी ये टर्म यूज़ कर सकते हैं, ये होता क्या है फॉर्मलिज्म, ठीक है। जहाँ पर लॉ तो बहुत बनाए गए हैं, लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत अच्छे बनाए गए हैं लेकिन उनका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, ठीक है, उसको आप टर्म देते हैं फॉर्मलिज्म। ओवरलैपिंग मीन्स It refers to the extent to which formally differentiated structure of a diffracted society coexist with undifferentiated structure of fused type। मतलब कुछ हद तक आपको डिफ्रैक्टेड सोसाइटी का पैटर्न देखने को मिलेगा और कुछ हद तक आपको फ्यूज सोसाइटी का पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। तो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। साला मॉडल, साला मॉडल उन्होंने किसको कहा कि एक सोसाइटी के अंदर अलग अलग सब सिस्टम्स होते हैं। इकोनॉमिक सब सिस्टम होता है, सोशल होता है, पॉलिटिकल सब सिस्टम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम होता है। तो प्रिज्मेटिक सोसाइटी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम होता है उसको उन्होंने साला मॉडल का नाम दिया है, ठीक है। प्रिज्मेटिक सोसाइटी वाला साला मॉडल है, डिफ्रैक्टेड सोसाइटी वाला ब्यूरो है, ब्यूरो या ऑफिस है, और फ्यूज्ड सोसाइटी में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम उसको चैम्बर का नाम दिया गया है, ठीक है। ये हमने डिटेल में कवर कर रखा है, आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके उन वीडियोस को देख लीजिए कि साला मॉडल क्या होता है, बाजार कैंटीन मॉडल क्या होता है। बाजार कैंटीन मॉडल जो इकोनॉमिक सब सिस्टम है उसको बाजार कैंटीन मॉडल का नाम दिया गया है, ठीक है। बाजार कैंटीन यानी कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी में आपको मार्केट इकोनॉमी और ट्रेडिशनल इकोनॉमी दोनों के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, फाइन। तो फिर बात करते हैं थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिफॉर्मुलेटेड। उन्होंने रिफॉर्मुलेट की अपनी थ्योरी को इन द ईयर 1975। उन्होंने एक उनकी बुक थी प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड, उसमें उन्होंने कहा कि जो ये नई फॉर्मुलेशन है, जो 2-dimensional अप्रोच है, इट मीन्स दैट अ डिफ्रैक्टेड मॉडल रेफर्स टू ए सोसाइटी दैट इज़ डिफ्रेंशिएटेड एंड इंटीग्रेटेड। और प्रिज्मेटिक मॉडल जो है वो डिफ्रेंशिएटेड है लेकिन माल इंटीग्रेटेड है। समझिए इस चीज़ को कि आपने बहुत सारी इंस्टीट्यूशन बना तो दिए लेकिन उनका इंटीग्रेशन नहीं कर पाया आपको। तो ये जो है वो प्रिज्मेटिक सोसाइटी का फीचर है। In his opinion, the social tension in developed nations like urban crisis, racial violence, student uprising are a result of maladjustment in the differentiation and integration. आजकल जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स उभर करके आ रही हैं वो किस वजह से उभर करके आ रही है, क्योंकि हम जो है वो डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, ऑब्वियसली उनका क्रिटिसिज्म हुआ होगा, ऐसी तो कोई थ्योरी डेवलप नहीं हुई जिसका क्रिटिसिज्म ना हो. और वो क्या है, डिफ़िकल्टी इन यूजिंग द लैंग्वेज. क्यों? क्योंकि उन्होंने साइंटिफिक लैंग्वेज को ज़्यादा यूज़ किया है. फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक, ये जो है वो साइंस की लैंग्वेज हैं. फिजिक्स में आप ये सब चीज़ें पढ़ते हैं तो वो समझने में थोड़ा डिफ़िकल्टी आती है. आपको डिक्शनरी लेकर के घूमनी पड़ेगी, तभी आप रिग्स की जो है थ्योरी को समझ सकते हैं. लैक ऑफ चेंज ओरिएंटेशन, एब्सेंस ऑफ क्वान्टिटेटिव इंडिकेटर, नेगेटिव ओरिएंटेशन इन द कंसेप्ट एंड एथनोसेंट्रिसिज्म. एथनोसेंट्रिसिज्म जो टर्म है वो आजकल काफ़ी आप देख सकते हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी यूज़फुल है ये टर्म. आपके यहाँ पर दे रखा है एथनोसेंट्रिसिज्म होता क्या है. द कैटेगराइजेशन ऑफ सोसाइटीज़ इनटू फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक एंड डिफ्रैक्टेड वंस बेस्ड ऑन द वैल्यू इनहेरेंट इन अ कैपिटलिस्ट सिस्टम. आप ये समझिए कि ये जो कैटेगराइजेशन हुआ है ये किस बेस पे हुआ है, ये उन वैल्यूज़ के बेस पे हुआ है जो कैपिटलिस्ट सिस्टम की देन है. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिफ्रैक्टेड मॉडल आर एंटायरली दोज ऑफ ए कैपिटलिस्ट सिस्टम. जो डिफ्रैक्टेड सोसाइटी हो, आप एग्जाम्पल मान के चलिए कि जो कैपिटलिस्ट है वही उनको डिफ्रैक्टेड सोसाइटी से आप मैच कर सकते हैं. रिग्स एनालिसिस क्लियरली इस्टेब्लिशेस द सुपीरियोरिटी ऑफ डिफ्रैक्टेड मॉडल और द अदर मॉडल. ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो है कुछ हद तक ये अप्रोच जो है वो एथनोसेंट्रिसिज्म से सफ़र करती है. राइट, इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. रिग्स इकोलॉजिकल अप्रोच इज़ नॉन इकोलॉजिकल, डिस्कस कर सकते हैं आप, ये क्रिटिसिज्म में आएगा. और समअप अगर आप करेंगे तो ऑब्वियसली चाहे उनके कितने ही क्रिटिसिज्म क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने डेवलपिंग सोसाइटीज़ और उसके एनवायरनमेंट को समझते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क उनका रहा. ठीक है, एंड उनका जो वर्क था वो फैसिलिटेट करता है फर्दर स्टडीज़ को दैट आर बेस्ड ऑन द एम्पिरिकल एंड इकोलॉजिकल अप्रोच. फाइन, कुछ कीवर्ड्स हैं उनको देख लीजिएगा. स्क्रिप्टिव वैल्यूज़ क्या होती है और अटेनमेंट वैल्यूज़, यानी कि एस्क्रिप्टिव वैल्यूज़ जो हमारे जन्म के दौरान हमें मिलती है, हम जो सोसाइटी में पैदा होते हैं उस सोसाइटी की वजह से हमें मिलती हैं, और अटेनमेंट वैल्यूज़ जो हम बाद में अटेन करते हैं, जो बाद में हम गेन करते हैं. बार्टर एक्सचेंज ट्रेडिशनल सोसाइटी का फीचर है, ट्रेडिशनल इकोनॉमी का फीचर है. ब्यूरो चैम्बर पहले बता चुकी हूँ. डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ ए सिचुएशन इन विच एवरी फंक्शन हैज़ ए कॉरस्पॉन्डिंग स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर इट्स परफॉर्मेंस. हर काम को करने के लिए अलग बॉडी है. फॉर्मल इंटीग्रेशन, मार्क इंटीग्रेशन और देख लीजिए, अ प्रोसेस टू टाई टुगेदर टू कोऑर्डिनेट द वेरियस काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड रोल इन अ सोसाइटी. नेपोटिज्म मीन्स आप किसी को फेवर कर रहे हैं. ठीक है, पैट्रीमोनियलिज्म क्या होता है, इसमें बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम होता है, पैट्रीमोनियल पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें कि स्पेशलाइज्ड पॉलिटिकल एलिट्स होते हैं, जैसे कि किंग है, सब चीफ है, स्पेशलाइज्ड ऑफिशियलडम है, और वो सारे के सारे ऑफिस जो हैं वो एक रूलर के घर में ही स्थित होते हैं. राजा का जो घर होगा उसी में सारे जो ऑफिस होंगे. ठीक है, तो यहीं पे हम अपना सेशन ख़त्म करते हैं. हाँ, जो लिंक मैं आपको दूँ वो वीडियो आपको जाके ज़रूर देखनी है, ताकि आपको फ्रेड डब्ल्यू रिग्स यानी कि इकोलॉजिकल अप्रोच की जितने भी थ्योरीज़ हैं, जितने भी मॉडल्स हैं, वो आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएं. तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट के साथ. याद रखिएगा आज फ्राइडे है, मंडे 9 AM आपको IGNOU का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपको अवेलेबल